दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर के बारे में। अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपको ये चीज़ मालूम होना ज़रूरी है, कैसे वीडियो को एडिट करें, कैसे थंबनेल बनाएं, कैसे वॉइस को एडिट करें और बहुत कुछ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये रहा हमारा फ़ोन का स्क्रीन और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेरा एक फ़ाइल भी बना हुआ है यूट्यूबर करके। तो कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऐप्स फ़ोन में यूज़ करने के लिए, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए हम ये फ़ाइल खोल लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा ऐप दिख रहा है, जैसे कि YT स्टूडियो, काइन मास्टर, वीडियो मेकर, पिक्सल लैब, थंबनेल मेकर, लेक्सिस ऑडियो, सोशल ब्लेड, ये सब के बारे में आज जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला है हमारा YT स्टूडियो। दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो YT स्टूडियो के बारे में आपको जानकारी होगी और ये यूट्यूब का स्टूडियो है, ठीक है। अब आता है हम लोग वीडियो कैसे एडिट करें और उसका थंबनेल कैसे बनाएं। तो इसके लिए सबसे हेल्पफुल है काइन मास्टर, इसमें आप वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपको ये वीडियो मेकर, तो इसमें भी आप वीडियो ही एडिट कर सकते हैं। जैसे कि काइन मास्टर में आप वीडियो एडिट करते हैं तो इसका वाटरमार्क आ जाता है और ये वीडियो मेकर में आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा। पिक्सल लैब, यहाँ से आप पिक्सल लैब से आप अपने वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे जाइएगा तो ये खुलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं आप यहाँ से एडिट करके, ठीक है। कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, जिस टॉपिक पे आपका वीडियो है वो थंबनेल बना सकते हैं। और यहाँ से आप इसको साइज भी बना सकते हैं, साइज क्या रहेगा आपको थंबनेल, यूट्यूब में थंबनेल बनाने के लिए इमेज साइज को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए रहेगा थंबनेल, तो आपको थंबनेल यूट्यूब थंबनेल पे सेलेक्ट कर देना है और ये ऑटोमेटिक वो साइज का हो जाएगा ये। फिर उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी आप वीडियो रिलेटेड है उसमें इसमें आप टाइप करके लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हो गया हमारा पिक्सल लैब का। ये थंबनेल है, थंबनेल मेकर इसमें भी हुई है। और ये जो ऐप है लेक्सिस ऐप, इसमें आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड हो सकता है इससे, ठीक है ना। तो इससे जो भी ऑडियो रिकॉर्ड कीजिएगा क्वालिटी इसका सही रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट ऐप इसमें जो है सोशल ब्लेड, तो इसे आप कह सकते हैं कि एक तरह का ये जैसे कोई भी यूट्यूबर के बारे में आप जानना चाहते हैं, जैसे उसका कितना सैलरी है, कितना कमा रहा है, कितना व्यूवर है, व्यूवर से कितना पेमेंट आ रहा है, या कुछ भी, मतलब जैसे ये एक ऐसा ऐप है कि आप इससे किसी यूट्यूबर के बारे में जान सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं इसको खोला, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ किसी यूट्यूबर का नाम, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ अमित बड़ाना, ये टाइप करते ही आ जाएगा, ठीक है। ट्विटर का आ जाएगा ये और यूट्यूब का आ जाएगा। तो आप यहाँ यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका उसका पूरा स्टोरी बताएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए ही कुछ था। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।